सर आज हुंकार रैली है और परमिशन भी नहीं दी गई, उसके तहत आज युवा इस संसद मार्ग पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है? देखिए, मुबारक हो सरकार को कि उन्होंने हमारा मैसेज ये पूरे देश को दे दिया है कि देखो हम डरे हुए लोग हैं, इसलिए हम ये गलत प्रचार करते हैं कि यहाँ परमिशन नहीं दी जा रही है, और परमिशन न दी जाने के कारण यह रैली नहीं होगी। और मैं यहीं से बोल रहा हूँ, और रैली में यहाँ पर आप दिखाइए, हजारों की संख्या में नौजवान आ चुके हैं। ये आगाज़ है सरकार के सामने कि अब नौजवान सत्ता की तरफ को चल दिया है, और 77 में जो आगाज़ जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया था, आज उसी का रूप यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये नौजवान पीढ़ी अब आगे आ चुकी है, और ये सत्ता की तरफ को हमारा पहला कदम है, और आने वाले समय में 19 का आगाज़ हमने आज दे दिया है 18 में, और ये आगाज़ सत्ता की तरफ को ले जाने में कोई रोक नहीं सकता है। सरकार जितना झूठा प्रचार करेगी, हमारे लोग समझ लो हमारे लोगों कि तुम्हारे लिए आने वाले समय में इसी तरह के झूठे प्रचार किए जाएंगे, इसलिए इस न्यूज़ पर कभी भी भरोसा मत करना। भरोसा अगर करना है तो अपनी सामाजिक जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है इस पर विश्वास करिए, ये आपको सही मार्गदर्शन देगा, और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती रहेंगी, और इस कॉन्स्पिरेसी से ही तो लड़ने के लिए हम बाहर निकले हैं। और इस लड़ाई में मैं आह्वान करूँगा उन सब साथियों का जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जो रिटायर होकर के अपने घर बैठे हैं, जो पेंशन लेते हैं, मित्रों अब तुम्हें क्या करना है, पेंशन तुम्हारी कोई रोक नहीं सकता है, आगे तुम्हें कोई नौकरी लेनी नहीं है। आइए इन नौजवान बच्चों का मार्गदर्शन करने, इनका हौसला बढ़ाने, इनके पीछे खड़े होने के लिए अपना जो कुछ लगा सकते हो वो इनके पीछे लगा दीजिए। आने वाला समय आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल भविष्य बनाना है, जो आप जीवन भर सोचते रहे हो उसके लिए अपनी कुर्बानी देने को आगे आइए। मैं नहीं कभी कहता कि नौजवानों तुम कुर्बानी दो, अरे कुर्बानी देने के लिए हम अभी आप बड़ी मुश्किल से, तो हमें 60 साल के बाद जवानी आई है, हमने बड़ी मुश्किल से सरकार की उस गुलामी से मुक्ति पाई है, पेंशन हमको मिलती है, बच्चों को हमारों को परेशान नहीं होना होगा, जो हम कर सकते थे कर चुके। इसलिए मैं तो इस मंच से एक ही आह्वान करूँगा, 60 साल का जो भी उम्र में ज़्यादा है वो अपने आप को नौजवान समझे, और सरकार को दमनकारी नीतियों को कुचलने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए अपनी सोच, अपने विचार, अपना मार्गदर्शन, अपने बच्चों को प्रोत्साहन सब कुछ करने के लिए तैयार रहो। ये सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं 70 वर्ष में हमें कहाँ से, हमारे संविधान की जगह हमें क्या दिया, हमारी न्यायपालिका। जब मैं अभी जयपुर गया और जयपुर के हाई कोर्ट में मैंने देखा मनु का वो स्टैचू लगा हुआ, वो न्यायपालिका कैसे न्याय दे सकती है संविधान के समर्थन में, जहां मनु की स्टैचू लगा करके, और वो लोग बाद में मालूम पड़ा वो चीफ जस्टिस भी बनते हैं। तो आज संविधान खतरे में है, और इस संविधान को बचाने के लिए हमें इस न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना होगा, जवाब और न्यायपालिका को पारदर्शी भी बनाना पड़ेगा। हमने पूछना है भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा ऐसा तिलिस्मा का चिराग है जो 200-300 परिवारों में ही सीमित है, जबकि पूरा देश इस समय अन्याय की श्रेणी में जा रहा है, और हम लोगों को कोई भी न्याय मिलने की जगह, आपने लोकतंत्र का एक तरीका था प्रदर्शन करने का, पहले आपने वोट क्लब को छीना, जंतर मंतर को छीन लिया, बताइए अगर गरीब आकर के अपना प्रदर्शन करना चाहे तो कहाँ पर जाए। तो सरकार की इन दमनकारी नीतियों में जो सुप्रीम कोर्ट का अनावश्यक अप्रत्यक्ष तौर पर जो सहयोग मिल रहा है उसे रोका जाना चाहिए। शिक्षा नीति में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल एक्शन लेना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एजुकेशन बंद किया जाए, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो। किसान अगर आज मर रहा है, क्यों मर रहा है, सरकार से जवाबदेह होना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने क्राइम किया है, ओपन क्राइम किया है बाबरी मस्जिद गिराने में, उनसे पूछा जाना है, और वो जेल में क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों है, वो इतने दिनों से सत्ता में बैठ करके सत्ता का लाभ ले रहे हैं। जो व्यक्ति जमानत पर है वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, जो व्यक्ति जमानत पर है क्राइम के जो जिसमें उसे आजीवन कारावास हो सकती है, वो लोग अपने सरकार में बैठे हुए हैं, और सरकार में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं पावर से जुड़ा हुआ, कोर्ट की न्यायपालिका को भी गलत रास्ते में सहयोग ले सकता है। ये कोई ओपन चीज है, इसमें कोई दोहरी नीति नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तत्काल अपनी तरफ से एक्शन ले कि इन गलत नीतियों पर करने वाले लोग और गलत आचरण से जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के नाम पर उन दलितों और पिछड़ों के नेताओं को तो आप जेल भेज रहे हो, और उन लोगों को आप सत्ता में बैठा रहने दे रहे हो, चाहे वो अडवाणी हो, चाहे वो जोशी हो,
चाहे आपके मोदी हों चाहे शाह हों, इन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, ये लोग सत्ता में किस तरह से बैठे हुए हैं। मैं इन सब बातों के बीच में इस देश की जनता से आह्वान करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए आगे आओ, जाति को छोड़ो, जमात बनाओ। इस देश को ज़रूरत है अब बुज़ुर्गों की उतनी ही जितनी कि नौजवानों को सत्ता में आने की ज़रूरत है। धन्यवाद।